आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपके हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, कैसे आप जानें कि आपको यश मिलेगा या अपयश मिलेगा। पंडित जी, हाथ की उंगलियों को देख करके भी क्या जान सकते हैं कि यश या अपयश मिलेगा? अब आपके हाथों की उंगलियों से भी ये जान सकते हैं कि आपको जीवन में यश मिलेगा या अपयश मिलेगा। कैसे जान सकते हैं? हाथों की उंगलियां अगर टेढ़ी मेढ़ी हो, सीधी ना हो, सुंदर ना हो, तो व्यक्ति को उसके स्वभाव के कारण, व्यक्ति को उसके बिहेवियर की वजह से जीवन में अपयश मिल जाता है। अगर हाथों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं तो हाथों की उंगलियों के जो बीच के जोड़ हैं अगर वो गांठदार हों तो व्यक्ति को धन के मामले में, घोटाले के मामले में जीवन में अपयश मिल जाता है। हाथों की उंगलियां अगर बहुत ज्यादा सुंदर हों तो कभी कभी बिना कारण के भी जीवन में अपयश मिल जाता है। बिना कारण के व्यक्ति अपयश का शिकार हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा लंबा हो और सुंदर हो तो ऐसे व्यक्ति की अपयश से, बदनामी से रक्षा होती है। और जिनका अंगूठा लंबा और सुंदर होता है वो अपयश से बचते हैं और जीवन में यश प्राप्त करते हैं। अंगुलियों के नाखून अगर लंबे हों और सुंदर हों तो व्यक्ति जीवन में बहुत सारा नाम और बहुत सारा यश प्राप्त करता है। जिन लोगों के नाखून काले होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, टूटे हुए होते हैं, वो अक्सर जीवन में अपयश प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हाथ की उंगलियों के नाखून आपके सुंदर हैं तो निश्चित रूप से ये इस बात की सूचना है कि आप जीवन में यश, नाम प्राप्त करेंगे, तर होगा। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप जीवन में मान सम्मान, यश पाना चाहते हैं तो आपकी हाथ की रेखाएं कैसी होनी चाहिए, हाथ में कैसे चिन्ह होने चाहिए, हाथ का रंग कैसा होना चाहिए। पंडित जी, हाथ में कौन कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं जिनसे पता लगता है कि यश मिलेगा या अपयश मिलेगा? देखिए, हाथ में बहुत सारे चिन्ह ऐसे होते हैं जो जीवन के बारे में बताते हैं, जैसे तारा है, वर्ग है, क्रॉस है, त्रिशूल है, वलय है। ये अलग अलग चिन्ह जीवन की घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। हाथों के कौन से चिन्ह यश और अपयश पर असर डालते हैं? हाथ में जो सूर्य का पर्वत है, जो रिंग फिंगर के नीचे का पर्वत है आपके, ये अनामिका अंगुली है, इसके नीचे का जो पर्वत है ये आपको यश और अपयश के बारे में बताता है। अगर सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज पाया जाता हो, अगर सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति नाम और यश बहुत प्राप्त करता है। और ज्यादातर ऐसे लोग विदेश में अपने जन्म स्थान से दूर नाम और यश प्राप्त करते हैं। सूर्य के पर्वत पर अगर दोहरी रेखा हो, डबल लाइन हो इसके नीचे, सूर्य के पर्वत के नीचे, तो व्यक्ति छोटी जगह से बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचता है और जीवन में बहुत सारा नाम और यश प्राप्त करता है। ऐसे लोग छोटी जगह से बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। हाथ में तारा होना कहीं भी अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर सूर्य के पर्वत पर तारा हो,
सूर्य के पर्वत पर अगर स्टार हो तो व्यक्ति जीवन में बहुत सारा नाम और बहुत सारा यश प्राप्त करता है। सूर्य के पर्वत पर तारा होना एक बड़ी अच्छी सूचना है। सूर्य के पर्वत पर अगर तिल हो तो ये जीवन में अपयश देता है। क्रॉस हो तो ये भी जीवन में अपयश देता है। सूर्य के पर्वत पर तिल हो, क्रॉस हो, तो ये जीवन में बदनामी का, जीवन में अपयश का कारण बन जाता है। और सूर्य के पर्वत पर अगर वलय हो, वलय कैसे होता है, सूर्य के पर्वत पर ऐसे घेरी हुई एक अंगूठी टाइप की होती है जिसको वलय कहते हैं। अगर सूर्य के पर्वत पर वलय हो तो व्यक्ति को जीवन में काफी अपयश मिलता है। यश मिलना असंभव हो जाता है। उसकी हरकतों की वजह से उसको यश नहीं मिलता, उसको जीवन में अपयश मिलता है। अगर सूर्य के पर्वत पर वर्ग हो, स्क्वायर हो, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन सूर्य के पर्वत पर तिल होना सबसे ज्यादा बुरा है। अगर सूर्य के पर्वत पर तिल हो तो व्यक्ति को कभी कभी बदनामी तो मिलती ही है, व्यक्ति को जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर सूर्य के पर्वत पर तीसरी उंगली के नीचे अगर वर्ग हो, अगर स्क्वायर हो, तो इसका मतलब यह है कि जीवन में अपयश के कितने भी मौके क्यों ना बने, आप अपयश से बचेंगे, अपयश से आपकी सुरक्षा होगी। तो सूर्य के पर्वत पर बहुत सारे ऐसे चिन्ह होते हैं, बहुत सारे ऐसे निशान होते हैं जो आपके जीवन के यश और अपयश के बारे में बताते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।